तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्जाम 24 जुलाई से स्टार्ट है और ग्रुप एक्स के लिए जो ब्रीत का जो समीकरण है, ठीक है। देखो, हर साल पेपर में ब्रीत का समीकरण पूछ दिया जाता है। देखो, कैसे भी फॉर्म हो ब्रीत का समीकरण का, मैं आज जो बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देख लो। 24 जुलाई से जो एग्जाम है ना, एक भी ब्रीत का जो प्रॉब्लम है वो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ब्रीथ का कोई भी प्रॉब्लम है जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसी से आपको करना है, और मेरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है कि नहीं। तो वीडियो पूरा देखो, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। देखो, यहां पर मैंने क्या बनाया है, यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया है। क्या सर्कल? अब देखो, सर्कल का जो डायमीटर है, जिसे हिंदी में व्यास बोलते हैं, तो सर्कल का व्यास दिया है और यहां पर सेंटर दिया है, ठीक है। और सर्कल के व्यास के सिरा, तो ये एक व्यास का यह सिरा हो गया और व्यास का यह दूसरा सिरा हो गया, हुआ कि नहीं। तो व्यास के सिरे का निर्देशांक दिया है, यहां पर 3,4 है और यहां पर 5,8 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है इस सर्कल का इक्वेशन, ये जो वृत्तवा है ना, इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, देखो कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये बताओ, द्विघात समीकरण में तुम द्विघात समीकरण बनाना सीखे हो कि नहीं? सीखे हो ना? तो देखो, मान लो यहां पर 5,6, 4,5 दो गो मूल है, ठीक है। 4 और 5 दो गो मूल है और हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाओगे? जानते हो, x² - मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल 4 + 5 × x, ठीक है कि नहीं, प्लस मूलों का गुणनफल = 0। ऐसे ही नो द्विघात समीकरण बनाते हो तो देखो क्या हो जाएगा, x² - 9x + 20 = 0, ठीक है। अगर तुम द्विघात समीकरण बनाना जानते हो तो इस वृत्त का समीकरण भी यूं ही निकलेगा चुटकियों में, ठीक है ना। तो देखो, तो व्यास के सिरे का निर्देशांक 3,4 दिया है और दूसरा 5,8 दिया है कि नहीं। तो देखो, एक्स वाला उठाओ सबसे पहले, इसमें एक्स वाला क्या है, 3 है, क्या है जी इसमें एक्स वाला क्या है, 3 है, इसमें एक्स वाला क्या है, 5 है। तो 3 और 5 को उठाओ, 3 5 को मैंने उठा लिया। अब देखो, इससे द्विघात समीकरण बना दो तो क्या होगा, x² - मूलों का एक फल, तो 2 को मूल है, 3 और 5 दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 8, और एक्स से गुणा प्लस मूलों का गुणनफल, तो 3 5, 3 और 5 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 15 = 0, ठीक है। अमीर को अमीर सबर करो, ठीक है। तो एक्स वाला मैं उठा दिया 3 और 5, ऐसे ही अब वाई वाई वाला उठाओ, तो वाई वाला क्या है, 4 है और 5 है 8 है, ठीक है। तो ऐसे ही उठाओ 4 और 8, ठीक है। अब इससे क्या करो, वाई के फॉर्म में द्विघात समीकरण बनाओ तो क्या होगा, y² - मूलों का योगफल, तो मूल का है 4 है और 8 है, तो दोनों को जोड़ो, तो 8 4 12 y, ठीक है। जैसे यहां पर x से गुणा किए हो ना, तो जो जब y के फॉर्म में बनाएंगे ना, तो y से गुणा करेंगे, तो y² - 12 y + अब मूलों का गुणनफल, तो 4 में 8 से गुणा करो, 8 * 32 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, केवल इन दोनों समीकरणों को जोड़कर लिख देना है, वृत्त का समीकरण निकल जाएगा, ठीक है, बिना कोई फार्मूला लगाए। तो देखो, इससे पहले लिख दो, x² - 8x + 15, और इसमें क्या जोड़ देना है, ये वाला, तो प्लस y² - 12y + 32 = 0, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण हमारा निकल गया। ये बताओ, मैंने कोई फार्मूला यूज किया है? नहीं लुकिया, आपको भी नहीं करना है, ठीक है ना। तब यह है ट्रिक, बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। अब देखो, मैं एक लाइन में कैसे कर दूंगा, ये तो मैं आपके आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है, लेकिन एक लाइन में हमें करना है। देखो, एक लाइन में आप कैसे करेंगे, तो देखो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया, अब इसे हम लोग एक लाइन में करेंगे, कितने, मात्र एक लाइन में करेंगे, 1 सेकेंड में करेंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले x², ठीक है, -3 और 8 को लेकर द्विघात समीकरण हम लोग बना रहे हैं, तो क्या हो गया, x² - मूलों का एक फल, तो 3 और 8, तो दोनों को जोड़ो, तो 3 + 8, तो क्या हो गया, मूलों का योगफल / x + मूलों का गुणनफल,
तीन और आठ में, तो तीन गुणे आठ, ठीक है, और ऐसे ही आप प्लस करना है, तो इधर कर लो प्लस। अब देखो छ और चार को लेकर द्विघात समीकरण बनाओ, लेकिन किसमें, वाई के फॉर्म में, किसके किसके फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, तो बनाओ क्या होगा, वाई स्क्वायर फिर से माइनस मूलों का एक फल, तो छ और चार अब लेंगे तो छ और चार कितना हुआ दस वाई प्लस मूलों का गुणनफल, तो छ गुणे चार कितना हुआ चौबीस इक्वल टू जीरो। तो ठीक है फ्रेंड, तो इस वृत्त का जो इक्वेशन है वो निकल गया मात्र एक लाइन में। चलिए अब आगे देखते हैं और वृत्त का समीकरण। देखो एक वृत्त है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो इसमें मूल बिंदु क्या होता है, यही तो होता है ना, तो एक वृत्त है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो देखो यहां पर मैं वृत्त बना दिया हूं जो मूल बिंदु से होकर क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। तो एक वृत्त है जो मूल बिंदु से होकर जा रही है, एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से मैं पास करा दिया, ठीक है। अब देखो जो वाई अक्ष पर बी अंतखंड काट रही है, ठीक है, जो वाई अक्ष पर अंतखंड काट रही है, अंतखंड को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटरसेप्ट, ठीक है, तो वाई अक्ष पर कितना अंतखंड काट रही है, बी, ठीक है, ध्यान से समझो, यह अभी पेपर में पूछा जाता है। तो देखो वाई अक्ष पर कितना अंतखंड काट रही है, बी, और एक्स अक्ष पर कितना, ए, एक्स अक्ष पर कितना, ए, और हमें क्या करना है, वृत्त का समीकरण फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, एज सिंपल है एज एबीसीडी, एबीसीडी जितना आसान है ना वो ये अभी इतना ही आसान है। तो क्या करना है, हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइन लिख देना है, समीकरण निकल गया। देखो कैसे क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यह लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, ये बताओ अब देखो यहां पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ए वाला अक्ष क्या होगा, वाई अक्ष होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वैसे सुधार लेना, और यह क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष पर कितना अंतखंड काट रही है, ए काट रही है, तो ए में एक्स से गुणा, ए में एक्स से गुणा, तो ए एक्स क्या होगा, ए एक्स प्लस वाई अक्ष पर कितना अंतखंड काट रही है, बी से, कितना अंतखंड काट रही है, बी, तो बी में वाई से गुणा, बी में वाई से गुणा, तो प्लस बी वाई निकल गया, वृत्त का समीकरण निकल गया। अब देखो क्वेश्चन देख लो, देखो यहां पर ऐसे मान लो कि यहां पर एक वृत्त है जो वाई अक्ष पर ऐसे मान लो मूल बिंदु से होकर जाती है, वाई अक्ष पर चार अंतखंड काट रही है, एक्स अक्ष पर तीन अंतखंड काट रही है, इसका समीकरण ज्ञात करना है, अरे ऐसे ही चार ऑप्शन दे दिया होता है। तो देखो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने यहां पर बताया हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स अक्ष पर कितना काट रही है, तीन, तो तीन गुणे एक्स, तीन गुणे एक्स प्लस वाई अक्ष पर कितना अंतखंड काट रही है, चार, तो चार गुणे वाई कितना, चार गुणे वाई, यही होगा आपका इस वृत्त का समीकरण। आसान है कि नहीं, चलो अब आगे देखते हैं। देखो जो देखो अब हम वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे, जब सेंटर दिया हो तब रेडियस दिया हो तथा रेडियस दिया हो, ठीक है। तो देखो जो ये बीच में है ना, यही इस वृत्त का सेंटर है, जिसे हिंदी में केंद्र बोलते हैं, तो इस वृत्त का केंद्र कितना दिया है, उसका निर्देशांक दिया है 6.7, और रेडियसवा कितना दिया है, रेडियसवा 8 है, रेडियस कितना है 8 दिया है। हमें क्या करना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो जैसे दो को बताए हैं ना, जितना आसान है ना ये भी उतना ही आसान है, केवल आपको देखना है और केवल नोट कर लेना, एग्जाम 24 जुलाई से स्टार्ट है, और उसमें क्या बिल्कुल ही झंडा गाड़ का आना है, ठीक है ना, बिल्कुल आएंगे हम लोग झंडा गाड़ का, 24 जुलाई से आपका एग्जाम है एयरफोर्स का। अब देखो तो 6.7 और ये क्या हो गया रेडियस, ठीक है ना, तो रेडियस दिया है कितना 8। अब ये बताओ, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, की दूरी का फार्मूला तुम लोग जानते हो, कई बच्चे हैं जो जानते हैं, कई नहीं, कई ऐसे लड़के हैं जो नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, अगर आप नहीं जानते हो ना तो कोई बात नहीं, अब जान जाओगे, बहुत ही आसान है। देखो मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर दो को बिंदु है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखो मान लो कि यह बिंदु क्या है,
यह बिंदु है 8.10 और जो दूसरा बिंदु है वह 6.7 है। दोनों का जो है बीच का ये दूरी है ना, यह हमें पता करना है कितना होगा। तो देखो यह 8 में से पहले वाले को घटा दो तो 8 - 6 घटा दिया कि नहीं। अब इसका स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और फिर से दूसरा वाला क्या है, 10 है ना, तो दूसरा वाला में से दूसरे वाले को घटा दो तो 10 में से 7 घटाओ तो 10 - 7, ठीक है। तो पहले वाले में से पहले को घटाओ, दूसरे वाले में से दूसरे को घटाओ और दोनों को आपस में जोड़ दो और रूट ले लो, हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो केंद्र दिया है 6.7, केंद्र दिया है 6.7, जो त्रिज्या है ना, मतलब भाई त्रिज्या मतलब क्या, हेजी से लेकर हेजी तक के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी यही ना त्रिज्या है। तो देखो तुम मान लो कि यहाँ पर जो बिंदु है ना, एक मिनट देख रहे चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना, पता नहीं क्यों चल रही है। देखो तो मान लो कि यह जो बिंदु है ना, यह बिंदु है x, y, क्या x, y, ऐसे आपको मान लेना है। अब देखो 6 में से x को घटाओ तो अरे यार देखो 6 में से x को घटाओ तो घटाओ जी 6 में से x को, कह रहे हैं सुहा मतलब देखो 6 में से x को घटाओ तो 6 - x। अब इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो जैसे यहां पर बताया हूं, प्लस 7 में से y को घटाओ 7 - y। अब इसका भी क्या कर दो, y स्क्वायर कर दो। अब क्या करो, दोनों का ले लो रूट, जैसे कि मैं यहां पर बताया हूं। जो यह दूरिया जो निकला वह किसके बराबर है, 8 के बराबर है कि नहीं, तो 8 के बराबर, किसके 8 के बराबर, वृत्त का समीकरण निकल गया, ठीक है। तो वृत्त का, इस वृत्त का समीकरण निकल गया। लेकिन तुम लोग बोलोगे सर जी हम तो ऐसे देखे नहीं है, तो देखो तुम लोग देखे हो, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। जो रूटवा है ना, तो रूटवा यहां से हटकर, अगर रूट यहां से हटाओगे तो इधर जाकर स्क्वायर हो जाता है, पढ़े हो कि नहीं, ठीक है। तब इसको हल कर लेना, वृत्त का समीकरण निकल जाएगा। तो जो मैं यह तीन को वृत्त का समीकरण बताया हूं, ठीक है, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताया हूं, जब व्यास के दोनों के सिरों का निर्देशांक दिया हो तो उसके लिए भी ट्रिक बताया हूं। और दूसरा क्या है, जब सर्कल मूल बिंदु से पास हो रही है तथा एक्स अक्ष पर एक अंतखंड काटती है तथा वाई अक्ष पर एक अंतखंड काटती है, तो उसके लिए वृत्त का समीकरण, वो भी ट्रिक से बता दिया हूं। और तीसरा क्या है, जब रेडियस दिया हो और उसके बाद से जब सेंटर दिया हो, तो ये तीनों जो वृत्त का समीकरण है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, केवल ट्रिक का प्रैक्टिस कर लो और यकीन मानो पेपर में छपेगा, ठीक है। और जिसका भी 24 जुलाई को एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल ही फोड़ के आना। जय हिंद।